हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अगर आप भी चिकन को उसी रिवायती तरीके से बना बना कर तंग हो गए हैं एंड यू आर फेड अप ऑफ ऑल दोस कराहीज एंड एवरीथिंग, देन डू ट्राई दिस रेसिपी। दिस क्रिस्पी सेसमी चिकन इज जस्ट सो यमी कि अगर एक बार आपने ट्राई कर लिया तो आई बेट डेट यू आर गोना ट्राई दिस रेसिपी अगेन एंड अगेन। जब जब आपके घर में चिकन आएगा, आई बेट यू आर गोना मेक दिस। ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस बोटी। इट जस्ट सो यमी, क्रिस्पी एंड जूसी। फॉर मेकिंग सेसेमे चिकन वी आर गोइंग टू यूज सेसेमे ऑयल। अगर आपके पास अवेलेबल है या मार्केट में इजली मिलता है तो डू यूज़ इट। अगर के आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपना ऑर्डिनरी ऑयल जो भी आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1 फुल चिकन। मैंने 1 फुल चिकन लिया है। अगर आपके पास बोनलेस अवेलेबल है तो आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। Take a bowl and add 1.5 bowl of plain flour. और इसमें अब हम spices add करेंगे। I am adding 1 teaspoon salt, 1 tablespoon paprika. Paprika के amount आप change भी कर सकते हैं। If you like more spicy food, तो आप इसको 2 tablespoon कर दें। Then I am adding 1 teaspoon of ginger powder and 1 teaspoon of black pepper. इस सब mixture को अच्छे तरीके से mix कर लें। Now we are going to put it aside. Take another bowl and add 2 eggs into it. Eggs को अच्छी तरीके से mix कर लें। Then put it aside. Now I'm going to take another bowl and add 1 bowl of corn flour into it. अब हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट द कोटिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कोट इट विद कॉर्नफ्लोर, देन एग, एंड देन विद द मिक्सचर दैट वी मेड विद द स्पाइसेस एंड द प्लेन फ्लोर। रिपीट द प्रोसेस ऑन ऑल द चिकन पीसेस। Now our chicken is ready and we can start frying it. Take a pan and add 1/2 bowl of sesame oil. As I said before, अगर आपके पास available है तो do use it. अगर नहीं है तो आप normal oil भी use कर सकते हैं. Once our oil is hot enough, then we can start frying. Make sure कि आप सारा chicken इकट्ठा एक ही बार में नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके फ्राइंग करें। कीप चेंजिंग द साइड्स एंड कुक बोथ साइड्स फॉर 5 to 7 minutes ईच। We will keep frying it until it changes its color to golden brown. और ये बहुत ही मज़े का कलर आने वाला है अभी। It's looking so good.
जब तक हमारा चिकन फ्राइंग होता है तब तक मैं जो हूँ तो ये ऑनियन चॉप कर लूँगी। आई एम यूजिंग स्प्रिंग ऑनियंस। नाउ आवर चिकन इज़ ऑलमोस्ट रेडी और ये अच्छी तरीके से बन गया है एंड इट्स गिविंग अ वेरी गुड गोल्डन ब्राउन कलर एंड इट्स वेरी क्रिस्पी। एंड इन द सेम पैन वी आर गोइंग टू मेक सॉस। फॉर सॉस वी आर गोइंग टू यूज़ 4 टेबल स्पून ऑफ सेसमे ऑयल, देन एड 2 क्लव्स ऑफ मिंस्ड गार्लिक, then add 3 tablespoon of ketchup, 2 tablespoon of chili sauce, then add 2 tablespoon of sugar, 4 tablespoon of soya sauce, pinch of crushed chili। ये सारे spices और ingredients डालने के बाद आपने mixture को अच्छे तरीके से mix कर लेना है। And make sure you cook the sauce on a very very low flame. Then I'm going to add 2 tablespoons of honey and then mix it well. Because इस sauce में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमें पकाना पड़े, हम low flame पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी ingredients हैं वो आपस में अच्छे तरीके से mix हो जाएं। Then I'm going to add half bowl of chopped spring onion and a pinch of sesame seeds. अगर कि तो आपने चिकन फ्राई और सॉस दोनों जो है तो ऑर्डिनरी ऑयल में किया है और सेसमे ऑयल यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर आप जो है तो फिर सेसमे सीड्स के अमाउंट थोड़ी ज़्यादा कर देंगे। यूज़ अबाउट 1 teaspoon if you are not using sesame oil, ताकि जो सेसमे सीड्स का टेस्ट है वो अच्छे तरीके से आपका चिकन जो है तो एब्जॉर्ब कर ले और जो आपका सॉस है वो भी एब्जॉर्ब कर ले। So now our sauce is ready. We are going to add the chicken into it and then mix it well. और ये हमारा बहुत ही यम्मी क्रिस्पी सेसमे चिकन तैयार हो गया है। Now I'm just going to decorate it with spring onions and a pinch of sesame seeds and just look at it, it's so yummy, it's one of my favorite dish and I hope you will like it too if you are going to try that recipe। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।